हेलो टू ऑल माई ब्यूटिफुल एंड लवली पीपल आउट देयर, अ वेरी वार्म वेलकम टू माई चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ऐसे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ सिर्फ पानी से, क्योंकि मैंने लगाया है एक फेस पैक। अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगी इसके बारे में, सीधा आपको वीडियो की तरफ ले चलूंगी एंड दिखाऊंगी कि कौन सा ऐसा मैजिकल फेस पैक मैंने लगाया है टू गेट दिस ग्लो, क्योंकि अभी मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, यूट्यूब की कसम। एंड अगर आपको ये फेस पैक लगाने के बाद ग्लो नहीं मिलता है या अच्छा नहीं लगता है, जस्ट अनसब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम सो श्योर अबाउट दिस फेस पैक क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसको यूज किया एंड रिजल्ट्स आर सो अमेजिंग। आपकी स्किन चाहे जैसी भी हो, ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, आप ये वाला फेस पैक जरूर यूज करें एंड प्लीज लेट मी नो द रिजल्ट्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस व्हेन आई से दिस कि अगर आपने एक बार ये फेस पैक लगा लिया, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फेशियल की जरूरत है या पार्लर जाने की जरूरत है अलग से। अगर आपको बजट नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट यूज दिस फेस पैक एंड यू विल गेट द ग्लो। सो सीधा चलते वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे हिट कर दे एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी हिट कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड आपको भी वीडियो मिस ना करो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज के फेस पैक का मेन इंग्रेडिएंट है चिया सीड्स एंड ये मैंने ऑनलाइन अमेजन से परचेज किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 150 रुपीज में आया था ये, बट आपको ये लोकल ग्रॉसरी शॉप में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, सो यू कैन परचेज इट। नाउ चिया सीड्स इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपके अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम को, आपके एक्ने स्कार की प्रॉब्लम को, आपके डल स्किन की प्रॉब्लम को रोकने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जैसा कि आपने देखा कि मैंने 2 स्पून लिया है यहाँ पे, तो इतने में 2 लोग आराम से लगा सकते हैं फेस पैक, तो मैं आपको अंदाज के हिसाब से ऐसे बता रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी अब रॉ मिल्क, ये है कच्चा दूध जो कि बॉयल नहीं किया है मैंने, बट आपने अगर बॉयल कर लिया है दूध तो कोई बात नहीं, आप एक्सक्यूज मत दो, बस यूज़ कर लो उसे। तो मैंने यहाँ पे 5-6 चम्मच इसके ऐड किए इसमें। नाउ रॉ मिल्क बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है आपकी स्किन में एंड आपके कॉम्प्लेक्शन को भी सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो अगर आप चाहें तो डेली आप ना अगर रॉ मिल्क भी अपने फेस में लगाओगे ना, तो बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। तो इसे मैं जब इसके साथ चिया सीड के साथ मिलाऊंगी तो ये बहुत ही मैजिकल हो जाता है। नाउ इसे मैं 15 मिनट तक यूं ही छोड़ दूंगी एंड 15 मिनट के बाद आप देखोगे कि चिया सीड ने मिल्क को पूरी अच्छी तरीके से पी लिया है एंड कुछ इस तरह का दिखेगा उसके बाद ये। नाउ ब्लेंडिंग जा रही है सबसे छोटा वाला, इसे मैं लूँगी एंड सारा जो मिक्सचर हमने बनाया है वो इसमें डाल के मैं उसे मिक्स कर लूँगी। एंड एट लास्ट मैं इसमें ऐड करूंगी आधा नींबू। नींबू में विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा होती है एंड ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, तो आपके फेस में रेडियंस प्रोवाइड तो करता ही है, साथ ही साथ आपके अगर पुराने दाग धब्बे हैं तो उसे भी रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नींबू में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो किसी भी तरह की आपको इसमें एलर्जी नहीं होगी। सो ब्लेंड करने के बाद मिक्सचर कुछ इस तरीके का बनेगा एंड मैं अपने फिंगर्स की ही हेल्प से ये मास्क लगाऊंगी। सो गाइज, आप चाहे तो ब्रश की भी हेल्प से लगा सकते हो, बट क्योंकि ये मास्क मतलब है, ये जो मास्क है थोड़ा सा मेसी है, इसलिए मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे लगाना पसंद करती हूँ एंड इस तरीके से मैं लगाती हूँ। अपनी आँखों के एकदम नीचे वाले एरिया में कोई भी मास्क आप नहीं लगाते हो, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा, वहाँ की स्किन थोड़ी पतली होती है इस वजह से। सो पूरे फेस में मैं इसे इवनली इस तरीके से लगा रही हूँ। सो पूरे फेस एंड नेक पर मैंने इस मास्क को लगा लिया है एंड इसके बाद मैंने इसे 20 मिनट तक लगभग छोड़ दिया यूं ही एंड उसके बाद मैं इसे प्लेन वाटर से वॉश करूंगी। सो गाइस, जस्ट रिमेंबर कि आपको प्लेन वाटर से वॉश करना है एंड उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ल्यूकॉम वाटर भले यूज़ कर लें, बट बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने फेस पर ना यूज़ करें। सो फेस वॉश करने के बाद मुझे बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हो कि क्या रेडिएंट लग रहा है फेस एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल लग रही है एंड बिल्कुल लग रहा है जैसे कुछ अलग से ब्राइटन अप हो गया है फेस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज़रूर ये मास्क यूज़ करें एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका रिजल्ट कैसा था इसे लगाने के बाद। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।